अंजू जसपाल नूर जसवीर सिंह पूजा बालाराम कविता जावी देश को प्रदेश को आगे ले जाने की भावनाएं होती है वो ऐसे कामों को ऐसे अलग को जगाती है। इसमें पाल सिंह जी अंग्रेज जी महेंद्र जी अपने पत्रकार साथी भाइया से आए हुए हैं बनी करीवाला दलीप नगर हरिपुरा जगदीत नगर व अन्य गांव से आए हुए बच्चे यहाँ पर अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चों को आप सेल्फ डिपेंडेंट कर रहे हैं। ये आप एक साली सोलिंग टेंपल नाम के आयोजकों के नाम बजाओ बच्चों को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की आयोजन होते रहने चाहिए। इसके लिए जगदीश नगर के ग्रामीण जगदीश नगर की सोसाइटी में जो मुहिम चला रखी है वो जिले में कहीं कहीं देखने को मिलती है। मेरी निगाह में भी पूरे 550 गांव हैं। मुझे कहीं पर भी ऐसे आयोजन दिखाई नहीं दिए हैं। बाकी सभी तरह के होते हैं और स्पेशल बच्चियों के लिए ये तो एक यूनिक काम है थी। तो मैं पत्रकार बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। आपको भी अपने चैनल के माध्यम से इनको बढ़ावा दो ताकि लोग और ऐसे आयोजनों को लगातार होते रहेंगे तो हमारे ही बच्चे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। आज का जो जमाना है ये तो बहुत फास्ट रहेंगे। तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं तरह तरह के असुरक्षात्मक मामले चल रहे हैं तो स्पेशली ये बहुत अच्छा काम है और मैं ऐसे हर अच्छे काम के साथ जब भी आप मुझे ऐसे मौकों पर बुलाएंगे मेरी जो भी आपको सहायता की जरूरत पड़े मैं एक बार भी बिना हिचक के एक मिनट नहीं लगाऊंगा। जल्दी से जल्दी हाँ करूंगा और वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा था कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह चुनाव का माहौल है तो हो सकता है कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो पर अंग्रेज जी पाल सिंह जी महेंद्र सिंह जी और अन्य ग्रामीण जो मेरे भाई हैं जगदीश नगर के हरिपुरा के ऐसी व्यवस्था देख के मेरा मन वास्तव में खुश हुआ है और मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहूंगा और आता जाता रहूंगा जी आप लोगों के बीच में। तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अपनी तरफ से 3100 रुपए का योगदान कर रहा हूं। बाकी सभी साथियों ने मेरा इंतजार किया मैं थोड़ा लेट हो गया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगला जो प्रोग्राम होगा बच्चों मैं उसमें और साथियों उसमें मैं टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। ऐसे अच्छे आयोजन के लिए इस टाइम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये बच्चे जो हमारी कमेटी के ऐसे प्रोग्राम में कराटे की जो आपने इनको शिक्षा दी और ऐसा प्रोग्राम कराया उसमें आपने मुझे बुलाया इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। बहुत